हेलो, स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे मित्ता। मित्ता मीन्स संज्ञा। जित्ता जीव जीनिस टायद चबोरोन रेया नुतुमगे मित्ता का जीव तना। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुगी दाए आउतना, सुगी पानी ला रही है। मांडी इसिंजना, खाना पक गया। रांची मियद मरंग शहर तना, रांची एक बड़ा शहर है। चेतन रे बकड़ा कोरे सुगी मांडी ओड़ो रांची मिमियद जीव जीनिस ओड़ो टायद को रा अनुतुम को तना। ऊपर में दिए गए वाक्यों में सुगी मांडी और रांची ये सभी एक प्राणी के नाम है, एक वस्तु का नाम है और एक स्थान का नाम है। एना मेंते सुगी मांडी ओड़ रांची मेता का जियो तना। इसलिए सुगी को, मांडी को, रांची को हम लोग संज्ञा बोलेंगे। मेता रे आह नटिंग, संज्ञा के भेद। मेता मोड़े तारे हटिंग करना। संज्ञा को पांच भेदों में बांटा गया है। पहला है सुपट मेता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जाति मेता, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है बीति मेता, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है बोरोन मेता, भाववाचक संज्ञा। पांचवा है थोक मेता, समूहवाचक संज्ञा। सुपट मेता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जेता मियद जीव जिनिस चटायद रेया नुतुप के सुपट मेता का जियोतना। जिसे किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिरसा मांडिय जोमतना, बिरसा खाना खा रहा है। बाइबल मिय धर्म पुथी तना, बाइबल एक धर्म ग्रंथ है। मरंग हदा रेको पीटिया, मरंग हदा में बाजार लगता है। चेतन रे या बकड़ा रे बिरसा बाइबल ओड़ो मरंग हदा में मियत जीव जीनिस ओड़ो टायद रे अनुतुम को तना। एना मेंते बिरसा बाइबल ओड़ो मरंग हदा सुपट मेता को तना। बिरसा एक व्यक्ति का नाम है, बाइबल एक वस्तु का नाम हुआ, मरंग हदा स्थान का नाम हुआ। इसलिए जो अंडरलाइन किया हुआ है वे शब्द बिरसा बाइबल और मरंग हदा, ये संज्ञा सुपट मेता कहलाते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सोमा बाइबल कुरान का कुरान होगा। माघे चांडू माघ महीना, काटा जाम्बाड़ा दक्षिण, रातू राजा सुकन बुरु सुकन पहाड़, जर्गी सा वर्षा ऋतु, रबड़ सा शीत ऋतु, कारो नई कारो नदी, तोरपा तुरपा भारत दिसुम भारत देश, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में दिए गए हैं। दूसरा है जातिमित्ता, जातिवाचक संज्ञा। जेता जीव च जिनिस जो तो जाति च गोट गे जाति मेता का जियो तना। जिसी प्राणी या वस्तु विशेष की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उरी को अतिंग तना, गायें चर रही हैं, इसे गाय जात। अगर गाय का कोई नाम दे दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा, लेकिन गाय का कोई नाम नहीं दिया गया है। गाय गाय ही है, मतलब सफ़ेद गाय या काली गाय, गाय गाय ही है। अगर गाय का नाम दे देते कुछ भी, तो जैसे प्यार से हम लोग गाय का नाम दे देते मोतीनी मोती या हीरा, इस तरह से नाम देते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। बल्कि नाम नहीं दिया हुआ है, गाय एक जात हुआ, गाय एक जात, बैल एक जात हो गया, बकरी एक जात हो गया, इस तरह से गाय जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है। दूसरा उदाहरण है बीर को उजड़ा तना, जंगल उजड़ रहे हैं। जंगल का भी कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसीलिए यह जातवाचक संज्ञा में आएगा। चेतन रे अबाकड़ा रे उरी और लतर रे अबाकड़ा रे बीर ते जो तो जाति ची गोट रे अगे मुंडी नामो तना। एना ते उरी और बीर जाति में तकिन तना। ऊपर के वाक्य में उरी और नीचे के वाक्य में बीर, मतलब जंगल से संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है।
इसलिए उरी और बीर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इट अजनोका को दूसरे में हम लोग रख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अनेक उदाहरणों में मिल सकते हैं। अपू मीन्स पिता, इपिल तारा, उरी गाय, एरा औरत, एंका माता, कुड़ी स्त्री, गुसिया सदस्य, जो फल, बा फूल, बुरु पहाड़, रानू औषधि, कोड़ा पुरुष, कुड़ी स्त्री। इस तरह से सारे के सारे जात एक जात का बोध कराता है, इसीलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। तीसरा है बीती मेता, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोंग मुकाओ चतुलाओतन जिनिस्कोगे बीती मेता का जियोतन। नापी या तौली जाने वाली वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गेल टक्कर अमीद पुइला चौली नामोतन, 10 रुपये का एक पहला चावल मिलता है। चेतन रे अबाकड़ा रे चौली मियत जिनिस तना, नया सोंग ओड़ो तुला उतन मेनते चावली बीती मेता कजी उतन। ऊपर के वाक्य में चावल एक पदार्थ है जो नापा या तौला जा सकता है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और जिस भी वस्तु को हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल में है होगा होलोंग आटा, गोतोम घी, रूपा चांदी, सोना सोना, सामड़ोम हीरा, तोवा दूध, दीरी पत्थर, किचरी कपड़ा, सुनुम तेल, मेड़द लोहा, चीनी चीनी, गुड़ गुड़, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। चौथा है बोरोन मेता, भाववाचक संज्ञा। जेता होड़ो च जिनिस रे नामोतन गुण भावगे बोरोन मेता कजियोतन। किसी व्यक्ति या वस्तु में पाए जाने वाले गुण अथवा भाव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोमा मिया कामिया होड़ो तानी, सोमा एक कर्मठ व्यक्ति है। रतंग तुतकुन गया, बर्फ ठंडा होता है। चेतन रे अबाकड़ा रे कामिया ओड़ लातर बाकड़ा रे तुतकुन, टूंग ते मियाद जीव ओड़ जिनिस रे अगुन र अमुंडी नाम उतना, एना ते कामिया ओड़ तुतकुन बोरोन मेता टूंग किंग तना। ऊपर के वाक्य में कामिया और नीचे के वाक्य में तुतकुन शब्द से एक व्यक्ति और वस्तु का गुण बोध हो रहा है, इसलिए कामिया और तुतकुन दोनों ही शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। दूसरे उदाहरणों में हो जाएंगे उनरुम पहचान, एनेम देन, ओनोल लिखावट, सोनतो सजावट, लेने का गिनती, दानल पिटाई, बनई बनावट, कामिया कर्मठ, गुणी गुणी, ढिठाई ढिठाई, माइनन आदरणीय, नुतुमन नामी, ये सभी भाववाचक गुण में आएंगे। पांचवा है थोक मेता, समूहवाचक संज्ञा। मीत जाति जीव च जिनिस को गोट गे थोक मेता कजियोतना, एक ही जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पीटी होड़ो को रूढ़तना, बाजार से लोग लौट रहे हैं। सभा रे होड़ो को दुबकना, सभा में लोग बैठे हैं। चेतन रे अबाकड़ा रे पीटी ओड़ोतायम रे अबाकड़ा रे सभा टूंग किन ते होड़ो को थोक रे अमुंडी नामो तना, एना ते पीटी ओड़ो सभा टूंग थोक में तकिन तना। ऊपर के वाक्यों में पीटी मतलब बाजार और सभा मतलब सभा दोनों के द्वारा आदमियों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए पीटी और सभा दोनों ही समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। और दूसरे उदाहरण में होंगे बुरु मेला, जुलूस जुलूस, पलटन सैनिक, चौंपा फूल का गुच्छा या फल का गुच्छा, जत्रा मेला, दुनुब बैठक, मिंडी गोट भेड़ों का झुंड, ये सभी समूहवाचक के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम लोगों का संज्ञा का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।